क्वेश्चन का द फर्स्ट लॉ इक्वल पार्ट्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट अ सेंटर. लिसन, इट इज गिवन दैट इक्वल पार्ट्स ऑफ ए सर्कल, यानी एक सर्कल होगा उसके दो कॉर्नर होंगे और दोनों कॉर्नर क्या है, इक्वल है. आपको प्रूव करना है कि वो दोनों इक्वल पार्ट है, सेंटर का जो भी एंगल बनाएंगे वो आपस में सेम है. जो इट इज द पार्ट ऑफ ए थ्योरम. एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में ऐसे पूछे जा सकते हैं. सो दैट आर प्रूव दैट इक्वल पार्ट्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. इस इंफॉर्मेशन से सबसे पहले आपको डायग्राम बनाने होंगे. तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं. आपका सर्कल स्मूथ होना चाहिए और सही होना चाहिए, ठीक है. सपोज दिस इज सर्कल, तो ऐसे लिख सकते हैं गिवन दैट अ सर्कल विद सेंटर और रेडियस आर. गिवन दैट आप इसको शॉर्ट में से लिखें, गिवन दैट अ सर्कल विद सेंटर और रेडियस आर. ओके, एक्चुअली क्वेश्चन ये कह रहा है इक्वल पार्ट्स ऑफ ए सर्कल. इट मींस दैट आपको दो पार्ट लेने होंगे. सपोज ए बी एंड सी बी आर टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है. तो आपको करना क्या है, दो पार्ट लेने के बाद तो लिख सकते हैं ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर टू पार्ट्स या टू आर टू इक्वल पार्ट्स, टू पार्ट्स विथ ए बी इक्वल टू सी डी. आप इसको ऐसे लिख सकते हो. बच्चों पार्ट क्या होता है, जरा एक बार रिमाइंड करा देते हैं. एनी लाइन या एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल such that if they join, if we join like this circle पे आप दो points हो और join हो, that line is said to be chord. For example यहाँ पे यही क्या है, आपका chord. And आपको ये भी पता होगा कि center से जाने वाला जो chord होता है, it is said to be diameter. इस diagram में हम देख रहे हैं CD is the chord and it passes through the origin of the center of the circle, so it is said to be longest chord. अगर हम आपसे कहते हैं किसी सर्कल का लॉन्गेस्ट पार्ट क्या कहते हैं, तो उसे डायमीटर ऑफ द सर्कल. ओके, क्वेश्चन में क्या कह रहा है या थ्योरम में क्या कह रहा है, इक्वल पार्ट्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. इसका ये मतलब है कि अगर एक सर्कल है उसके अंदर दो पार्ट है और दोनों पार्ट सेम है, उस केस में प्रत्येक पार्ट के द्वारा जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल बी वो बी और नेक्स्ट है एंगल सी ओ डी, ये दोनों एंगल क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे. ओके, फाइनली गिवन दैट तो समझ में आ गया, गिवन दैट अ सर्कल. बच्चों इसका मतलब समझा देते हैं, अलग से समझ लो. ये कभी भी ऐसे लिखे इसका मतलब ये होगा कि अ सर्कल विद सेंटर को एंड रेडियस आर. इतना बड़ा स्टेटमेंट है, शॉर्ट में इसको हम ऐसे लिखते हैं ओ का मार सी ओ का मार, ठीक है. उस तरह के लिए इसको अगर ओवर पढ़ो इसको आगे लिखो, इट इज सेड टू बी अ सर्कल विद सेंटर ओ वन रेडियस आर. अभी तक क्लियर टर्म की बात हो रही है, तो आप धीरे धीरे सीखते जाओगे कैसे हम स्टेटमेंट लिखते हैं. आइए, तब तक हमने ये देखा एक सर्कल है, इसका सेंटर रेडियस आर है तथा ए बी एंड सी डी इसके दो इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है. तो हमें क्या प्रूफ करना, हमें प्रूफ करना कि प्रत्येक पार्ट्स के द्वारा जो सेंटर पे जो एंगल बना था वो सेम होगा. ओके, इट मीन दैट प्रूफ एंगल ए वो बी इक्वल टू एंगल सी हो बी. आप देख सकते हो पहला पार्ट ए बी सेंटर पे एंगल बन रहा है एंगल बी वो बी, अदर पार्ट सी डी सेंटर पे एंगल बन रहा है एंगल सी हो, और ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है. इसमें कोई कंस्ट्रक्शन पार्ट नहीं है. सो अब आते हैं प्रूफ पे. प्रूफ में आप देखो जो इन द गिवन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी वी सी दैट ए बी इक्वल टू सी डी इट इज गिवन. आल्सो ओ ए इक्वल टू ओ सी बिकॉज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी आल्सो इट इज इक्वल बिकॉज इट इज द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. सो वी कैन से दैट बाय साइड्स एंड साइड कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी. अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो सी बी सी डी से आप कर सकते हो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी. ये सब थ्योरम ये सब कॉन्सेप्ट ना ट्रायंगल्स में बताए जा सकते हैं. तो आप देखो सर्कल कुछ नहीं है, सर्कल के जितने भी थ्योरम है अल्टीमेटली ट्रायंगल के ऊपर ही अप्लाई हो रहा है. अगर आपने ट्रायंगल्स को अच्छे से पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है इस चैप्टर. नाउ देखे चलते हैं
ए बी इक्वल टू क्या है सी बी बिकॉज गिवन हाँ सपोर्टिंग स्टेटमेंट आपको जरूर देने होंगे ओ इक्वल टू ओ सी रेडी आई आर या रेडी आर द सेम सर्कल या यू राइट रेडी आई ओके यहां चाहो तो लिख सकते हो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल या रेडियस ऑफ द सेम सर्कल एक और नोट करिएगा ए के करस्पॉन्डिंग सी ओ करस्पॉन्डिंग ओ बी करस्पॉन्ड डी अगर हम ए बी लिखते हैं या सी डी लिखते हैं ओ ए लिखते हैं तो इधर उसी लिखेंगे ओ ए देन ओ सी अगर ओ बी देन ओ डी तो आपको करस्पॉन्ड लिखना होगा ए बी इक्वल टू सी डी गिवन ओ ए इक्वल टू ओ सी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल ओ बी इक्वल टू ओ डी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल ओके हम कर सकते हैं यहाँ देखो बाई साइड 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 कांग्रेस सी ट्रायंगल ए ओ बी इज कांग्रेस टू बच्चों ट्रायंगल सी ओ आई थिंक आप समझ गए हो सो बाई सी बी सी डी वी विल फाइंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी देखो ये पता था ओके एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी ये कैसे लिखा सी बी सी नेक्स्ट हैंस आप ऐसे कर सकते हो सो इसीलिए हमारा जो थ्योरम फर्स्ट था हमारे लिए वो हो गया अब आते हैं अगले थ्योरम नाउ द नेक्स्ट थ्योरम इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल फ्रॉम द जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन से दैट If the angles subtended by two chords at the center of the circle are equal, then prove that the chords are equal. Actually, this theorem is the converse of the theorem number first. इससे पहले जो theorem कुछ पढ़ाया था उसका मालूम first है तो उसका converse part है. देखो क्या है? ये कहा है कि अगर एक circle है, circle के अंदर मानो दो chord हैं. अगर दोनों chord के द्वारा center पे बना है अगर same है, तो हमें prove करना है कि जो chords होंगे वो आपस में equal होंगे. तो यहाँ दिया है सर्कल है जिसका सेंटर रेडियस आर है और ये भी मानते हैं मान लो ए बी एंड सी डी आर टू कार्ड्स अब यहाँ भी मैं सोचना ए बी और सी डी दोनों सेम है क्योंकि ये तो प्रूफ करना है हाँ क्या इक्वल है कार्ड ए बी के द्वारा जो सेंटर पे जो बच्चों एंगल बना है ना वो इक्वल है तो आप ऐसे समझो ये रेगुलर लाइन है सपोज दिस इज एंगल ए ओ बी सो अब हम कर सकते हैं गिवन दैट वीडियो काफी लंबा हो जाए थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं गिवन दैट अ सर्कल विद सेंटर और रेडियस आर शॉर्ट में लिखा है मैंने बताया था इट इज सेड टू बी इसको आप पढ़ोगे अ सर्कल विद सेंटर और रेडियस आर और क्या दिया है ए बी एंड सी डी ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स सच दैट क्या था ट्रायंगल एट द सेंटर आर इक्वल ओके देखो यहां लिखा है एट द सेंटर ऑफ सर्कल क्या कॉर्ड्स जो एंगल बनाएगा सेंटर के वापस क्या होगा इक्वल होगा तो हम कह सकते हैं एंगल ए को भी इक्वल टू एंगल सी को भी विच इज गिवन क्या प्रूफ करना टू प्रूव ए बी इक्वल टू सी डी देन जो फर्स्ट स्टेप सपोर्ट किया बिकॉज ऑलरेडी गिवन दैट क्या सेंटर्स ये जो एंगल बनता है पार्ट के द्वारा सेम है तो हमें प्रूफ करना है पार्ट अब आते हैं प्रूफ में आप देखो मुझे देखते हैं क्या क्या चीज़ें पता है जैसे कि पता है एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी आल्सो ओ इक्वल टू ओ सी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल सो बाय कॉन्ग्रुएंसी रूल एस ए एस साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन ऑन अ प्राइम सिटी सिटी बी है इक्वल टू सी डी तो जो आप समझ गए होंगे ये दोनों ट्रायंगल में आप कौन सी कांग्रेसी लगा सकते हो एस ए एस बाई एस ए एस कांग्रेसी ये दोनों ट्रायंगल का होंगे कांग्रेट हो जाएंगे और सिटी सिटी से एक और ऑप्शन मिल जाएगा इक्वल टू सी डी आइए लिखते हैं ऐसे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड
ट्रेंगल सी टू डी, तो जो क्या हमें पता है साइड एंगल साइड पहले दो ऑपरेटर है उसी ऑर्डर में लिखेंगे, पहले साइड फिर एंगल देन साइड। ओके OA is equal to 2C, कैसे जाना रेडियस ऑफ द सेम सर्कल आरडीए। एंगल AOB is equal to एंगल COD, कैसे जाना इट इज गिवन। एंड OB equal to OD because रेडियस ऑफ द सेम सर्कल आरडीए, आप ऐसे लिख सकते हो। सो बाय SAS congruency we have triangle AOB is congruent to triangle COD. COD, so this implies AB equal to CD, कैसे जाना CP CD, यही आपको प्रूव करना है। हेंस जस्ट इट। अब आते हैं बच्चों अगले थ्योरम। आप देख लो इसका जो एंगल है 90 डिग्री है,
एंड सीधा भी लिखते हैं इन ए ट्रायंगल ओ बी एम, ध्यान देना नाम ऐसे रखो ओ ए एम एंड ओ बी एम, उसमें देखो इसमें भी एंगल क्या है 90 डिग्री। आई कैन टेल से दैट इन राइट एंगल ओ एम एंड इन राइट एंगल ओ बी एम, आप ऐसे भी लिख सकते हो। बस आपको ये बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं राइट एंगल ट्रायंगल है। हमने क्या देखा, हाइपोटेनस स्टार्ट में एच वाई की बात बताते हैं, हाइपोटेनस ओ ए इज इक्वल टू हाइपोटेनस बच्चों क्या होगा ओ बी, कैसे जाना रेडियस ऑफ द सेम सर्कल ऑन यू कैन राइट रेडियस। और साथ ही साथ आपने ये देखा ओ एम इक्वल टू क्या है, ओ एम इक्वल टू क्या है ओ एम। एक्चुअली मैं इसको लिखने से पहले ना उसे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि हम ट्रायंगल लेके चलते हैं, उसे ट्रायंगल लेके मैं चला भी था, ठीक है आप ले भी सकते हो। चलिए एक बार हम लेते हैं इन ट्रायंगल ओ एम एंड या एक काम करो तो राइट लिखो तो वो ऊपर स्टेप लिखने को जरूरत है, इन राइट ट्रायंगल ओ एम हैंड्स इन सर्कल। आई होप आपको समझ में आया।